नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज इस बहुत छोटी सी वीडियो में, जिसे आप लास्ट तक जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। हमने एक्सरसाइज नंबर 43, जिसमें नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है सेंटेंसेस को, ये है टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की का सोल्यूशन आपके लिए तैयार किया है। शुरू करते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूलूंगा योर काइंडनेस, आपकी दयालुता। डबल नेगेटिव यूज करेंगे तो आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस। ठीक है, हमने नेवर को ऑलवेज किया, फॉरगेट का रिमेंबर किया, मीनिंग सेम। नेक्स्ट, शी इज नॉट अ लिटिल डिसप्लीज, वो जरा सा भी दुखी नहीं है, इसका मतलब शी इज मच प्लीज, वो बहुत खुश है। शी डिड नॉट रीच द स्कूल इन टाइम, वह स्कूल समय से नहीं पहुंची, तो इसके लिए रीच का अपोजिट वर्ड नहीं है, इसलिए शी फेल्ड, वो असफल हुई टू रीच द स्कूल इन टाइम, स्कूल समय से पहुंचने में। आई एम नॉट सो डिलीजेंट, मैं इतना परिश्रम भी नहीं एज माई ब्रदर इज, जितना मेरा भाई, ये है पॉजिटिव डिग्री, इसको कॉम्पेरेटिव में कर लेंगे तो माई ब्रदर इज मोर डिलीजेंट, मेरा भाई ज्यादा परिश्रमी है देन मी, मुझसे, तो मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। नंबर 5, नो सूनर डिड ही गो देन आई स्लेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। नो सूनर की जगह एज सून एज लगाएंगे, डिड ही गो तो ही गो का हो जाएगा वेन, डिड को हटा देंगे और देन की जगह कॉमा लगेगा, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट, राम इज नॉट सो फुलिश एज मोहन इज, ये हमेशा से देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव करते ही ये नेगेटिव में हो जाता है, तो मोहन पहले, तो मोहन इज मोर फुलिश देन राम। नेक्स्ट है, अ वाइज मैन डज नॉट लिव बियॉन्ड हिज मीन्स, एक बुद्धिमान आदमी कभी अपने साधनों के बाहर नहीं जीता, अपने साधनों में ही रहता है। तो अ वाइज मैन लिव्स अंडर हिज मीन्स, जो भी उसके पास साधन है, जो भी संसाधन है, जो भी उसके सोर्सेस हैं, उसी के अंतर्गत जीता है। इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक टी, कितना इंटरेस्टिंग है ये, पहले वाले सोर्स से पहले टू लगा देंगे और बाकी दैट वन कैन नॉट की जगह केवल छोटा सा टी ओ टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, तो इट इज टू हॉट टू टेक टी। पर 9, सोहन इज सो नोबल दैट ही कैन नॉट बी मीन, सोहन इतना महान है कि कभी भी मतलब या स्वार्थी नहीं हो सकता, तो सोहन इज टू नोबल टू बी मीन, बहुत ध्यान दें इस बात को, सो की जगह टी ओ ओ यानी कि एडवर्ब टू और दैट ही कैन नॉट या शी कैन नॉट, जो कुछ भी ये पार्ट होता है उसकी जगह पर टी ओ टू यानी कि इन्फिनेटिव, और हम सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में भी चेंज कर लेंगे और एडवर्ब टू का यूज भी कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, नन बट द ब्रेव डिजर्व टू बी कंचुलेटेड, कोई और नहीं, ये वीर बहादुर लोग होते हैं जो कंचुलेटेड मीन्स प्रशंसा के, डिजर्व मीन्स पात्र होते हैं, तो नन बट हटाते हैं और ऑनली लगा देते हैं, कितना सिंपल है, नन बट हटाते हैं, नन बट हटाएंगे और ऑनली लगाएंगे, ऑनली द ब्रेव डिजर्व टू बी कंचुलेटेड। नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डोंट टेल अ लाई, झूठ ना बोलो, झूठ मत बोलो, इसके लिए क्या करेंगे, रेफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से हमेशा बचिए। नेक्स्ट है, आई डू नॉट लाइक टू मूव इन द कंपनी ऑफ बैड बॉयज, मैं बुरे बच्चों की कंपनी पसंद नहीं करता, तो बहुत आसान है, डू नॉट लाइक दोनों को हटाया और डिसलाइक लगा दिया, तो मैं बुरे बच्चों की कंपनी में जाना पसंद नहीं करता, कितनी आसानी से ये हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज कर लिया। क्लियर। नंबर 13, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं, तो वेयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी, कहने को ऐसे भी कह सकते थे वेयर इज फायर देयर इज स्मोक, लेकिन मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है, दूर से कहीं धुआं देखते हैं ना तो वहां आग होने का अंदेशा हो जाता है। नेक्स्ट, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नेवर एक्सेप्ट अ ब्राइब, इतना ईमानदार है कभी भी रिश्वत स्वीकार नहीं करेगा, तो ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। क्लियर। लास्ट है, मोहन लेफ्ट नो स्कीम अनट्राइड, मोहन ने ऐसी कोई योजना नहीं सोची, पर ट्राई ना किया हो, तो इसका हुआ मोहन ट्राइड एवरी स्कीम। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश बाय एस गोस्वामी, नमस्कार।